क्या आपकी गाय ने हरा चारा खाना बंद कर दिया है? क्या आपकी गाय ने सूखा चारा खाना बंद कर दिया है? या आपकी गाय ने पशुआहार खाना बंद कर दिया है? या आपकी गाय की हड्डियां दिखने लग गई हैं? या गाय का जो गोबर है वो मिंगनी जैसा आने लगा है, गोल गोल आने लगा है? क्या आपकी गाय ने अभी ब्याई है और ब्याते ही उसने कुछ खाना पीना कम कर दिया है, उसका दूध कम हो गया है? यदि हाँ तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, ध्यान से देखें, पूरा देखें। आपको बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। आज आप जानने वाले हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेली हब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बारे में। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा संतुलन। अब इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज करो आपके घर का खर्चा है 1,000 रुपये और आपकी जेब में है 100 रुपये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 900 रुपये कहीं से उधार लेने पड़ेंगे। वो नेगेटिव जो 900 रुपये आपने उधार लिए वो एक नेगेटिव है, नेगेटिव बैलेंस है एक तरह का, आपका नेगेटिव रुपए हैं आपके। उसी तरह गाय के शरीर की भी हालत होती है। जब गाय का बच्चा ब्याने वाला होता है उसे 2 महीने पहले से हम करते क्या है, हम उसका खाना पीना कम कर देते हैं। अब खाना पीना जब हम कम उसका कम कर देते हैं तो अब गाय के पेट में एक बच्चा पल रहा है और गाय खुद, उनको डबल एनर्जी चाहिए और हमने कर दिया है खाना कम, तो हमारी रिक्वायरमेंट और गाय की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है एनर्जी की, बट हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट जो इनटेक है वो जो कम किया है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें उसको वो एनर्जी दे के रखनी है, अदरवाइज होगा क्या, हमारी गाय जो है वो नेगेटिव एनर्जी में चली जाएगी। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का पता आपको गाय के ब्याने के बाद पता लगेगा। गाय के ब्याने के बाद और सडनली क्या होगा, गाय खाना पीना बंद कर देगी, गाय हरा चारा खाना बंद कर देगी, सूखा चारा खाना बंद कर देगी, गाय का जो पशु आहार है वो खाना बंद कर देगी और आपको लगेगा कि गाय को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई समस्या हो गई है। आप डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ाएगा, डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाएगा, बट उसमें गलती अपनी हुई है गाय के ब्याने से 2 महीने पहले वाली, वो इतनी जल्दी उतना रेक्टिफाई इजिली नहीं कर पाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें गाय को जब ड्राई पीरियड में चले जाए, ड्राई पीरियड मतलब जो दूध निकालना उसका बंद कर दे, तो उस समय से लेकर जब तक गाय ब्याती है उस समय हमको उसकी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। उसको एक अच्छी डाइट देनी है, उसको हाई एनर्जी डाइट देनी है। हाई एनर्जी डाइट देने से बच्चा और माँ दोनों का अच्छा ध्यान रखा जाएगा, उसे होगा उसे उसके जो शरीर की जो ऊर्जा है उसकी आपूर्ति होगी। अब जैसे गाय का बच्चा ब्याएगा, क्योंकि ब्यावत के समय गाय की बहुत ऊर्जा लगती है, ब्याएगा तो जो आपने 2 महीने खिलाया है उसे उसको शरीर को ताकत मिलेगी, वो बच्चा भी आसानी से निकाल देगी और उसका दूध भी पीक पे जाएगा। और उसका निकालते ही यदि हम चाहें कि भाई 2 महीने पहले ना खिलाएं दो और सडनली उसका बच्चा होने के बाद उनको हर तरह की जितनी भी डाइट है, मेथी है, गुड़ है, अजवाइन है, खड़ दे दें तो उससे दूध बढ़ जाएगा। उससे दूध बढ़ने में उतनी पीक नहीं आएगी जितनी पीक यदि आप 2 महीने पहले से अच्छा खिलाओगे। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बहुत आम समस्या हो गई है, बहुत नॉर्मल समस्या हो गई है, क्योंकि हमें जिस गाय से कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जिस गाय से जिसको दूध नहीं मिल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कुछ ना खिलाएं या कम खिलाएं, बट वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रैक्टिस को तो हमें सुधारना ही पड़ेगा। अब उसको पहचान कैसे करें कि हमारी गाय नेगेटिव एनर्जी के अंदर है? पहली चीज़ आप ये ध्यान दें कि गाय की जो हड्डियां हैं वो तो नहीं दिख रही हैं कहीं। दूसरा, यदि गाय सूखा चारा खाना कम कर रही है, हरा चारा खाना कम कर रही है, कॉन्सेंट्रेट खाना कम कर रही है, तो भी आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी में है। अब वो खाना कम क्यों कर रही है, क्योंकि गाय को अपने भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा वो कहाँ से लाएगी, वो भोजन से तो लेके आएगी जो अपने उसको पहले खिलाया है। यदि उसके पास वो ऊर्जा ही नहीं है तो वो सिर्फ उतना सा खाती है जितना वो पचा सकती है। तो इससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि हाँ भैया गाय नेगेटिव एनर्जी के अंदर है, गाय नकारात्मक ऊर्जा में चली गई है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उसको नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखना है। गाय को ब्याने के बाद यदि गाय नेगेटिव एनर्जी में है तो गाय को कीटोसिस भी होने की समस्या होती है। कीटोसिस को आप समझ सकते हैं कि गाय के जो शरीर की वसा है, मतलब शरीर की फैट है, वो अपनी फैट को ही तोड़ती रहती है, फैट को तोड़कर उसको कंज्यूम करती है फूड को पचाने में। तो गाय का जो शरीर का वसा वसा ऊतक है वो पिघलते रहते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और गाय की आपको हड्डियां दिखना शुरू हो जाती हैं, पहली चीज। दूसरी, आप गाय के गोबर को देखिए, पहचाने गाय के गोबर में यदि म्यूकस है, म्यूकस मतलब कुछ चिपचिपा सा पदार्थ है, तो भी गाय को नेगेटिव एनर्जी के अंदर चली गई है। अब सपोज करें हमने अपने पहचान तो कर ली कि गाय नेगेटिव एनर्जी के अंदर चली गई है, तो हम क्या करें उसके लिए? अब हमें उसके लिए ब्यावत से पहले भी नहीं दे ध्यान दे पाए, तो ब्यावत के बाद क्या करें? ब्यावत के बाद एक विशेष तरह का केमिकल है कोलीन क्लोराइड।
कोलिन क्लोराइड यदि हम हमारे एनिमल को सही मात्रा में डॉक्टर की देखरेख में देंगे तो हमारी गाय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से इजीली बाहर आ जाएगी। तो कोशिश करें अपनी गाय, जब भी आपको लगे कि ये सारे सिम्टम्स, आपको जो मैंने 5-6 सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिलते हैं तो आप अपनी गाय को पहले डॉक्टर के देखरेख के अंदर बुलाएं, उनको समझाएं समस्या हमने देखी है, तो वो आपको बताएंगे कि इसका निवारण कैसे करना है और उनकी देखरेख में अपने पशु का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको इसमें और भी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें और पहली बार यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, इतना लाइक करेंगे, उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।